सर देखिए, तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, कभी किसी से दुश्मनी होती है तो कभी कोई वो बंदा दोस्त बन जाता है। तो सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है। टास्क के दौरान वी यूज टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे। तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दोस्ती और सिद्धार्थ की दोस्ती ऐसी कंटिन्यू रहेगी आगे? जी वाई नॉट, मतलब दोस्ती से ही हम बाहर निकले हैं और एक बहुत ही अच्छे नोट पे बाहर निकले हैं, डेफिनेटली हम अभी बन में रहेंगे। सिद्धार्थ और नाज बाहर हीरा ट्रेंड हुए, और जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई तो आपके और मायरा के बीच फिर ये स्वयंवर क्यों? किस में स्वयंवर क्यों? ये स्वयंवर क्यों फिर नाज में, सिद्धार्थ और नाज में बाहर हीरा ट्रेंड हुए, जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई आपके और माहिरा के बीच जो भी, तो फिर ये स्वयंवर क्यों? माहिरा फ्रेंडशिप है, सिर्फ नाज भी फ्रेंडशिप है, और लोगों ने उस चीज़ को अगर कपल बना दिया है तो वो वैसा है नहीं, वो लोगों का नज़र ही है उसको देखने का, पर हैं हम फ्रेंड्स ही। और अगर हम ये शो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है हमारे फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि दुनिया को पता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है नहीं। इसलिए पारा साहब एक नया शो कर रहे हो, तो माहिरा को कितना मिस कर रहे हो वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तो आ रही है वहाँ पर, लेकिन माहिरा के साथ इतने टाइम तक आप रहे, कितना? ऑफ कोर्स मैं माहिरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने तो हो ही चुके हैं उस घर में रहते रहते, सेम अब उसी घर में ही वापस से जाना है, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। एंड आई होप कि वो कोई मेरी फ्रेंड के रूप में अंदर आए और कुछ मेरी हेल्प करे, यू नो। पर हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि माहिरा अभी ना ही आए, क्योंकि अगर माहिरा आई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का। इसलिए मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कैसे है क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं। आपका स्वयंवर होने वाला है, अगर आपने जो लड़की पसंद की आपकी मम्मी को नहीं पसंद आई तो वो समय क्या यार? ये ना कोई स्वयंवर वयंवर है नहीं, ये स्वयंवर का एक रेफरेंस है। ये वो जो पहले जो स्वयंवर है वो सब नहीं है, ये एक रेफरेंस है। ये शो बहुत डिफरेंट है और आप जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है।